श्रोताओं, मैं हूं जयंत पात्रीकर, आ रहा हूं लेकर आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में कोई विषय हर दिन जरूर होता है। जी हाँ, उस विषय के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं, और इस विषय पर, उस विषय को लेकर के जो गीत हम चुनते हैं, उन गीतों के सिवाय ये कार्यक्रम संभव नहीं है। और सबसे जरूरी, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, आप लोगों की टिप्पणियां, उसके बिना भी ये कार्यक्रम हो नहीं सकता। तो आज का विषय क्या है, आपकी समझ में आ गया? जी हाँ, बिना या सिवाय, किसी के बिना किसी के सिवाय, प्रवाह तो चलता रहता है जीवन का, मगर कई स्थितियां ऐसी आती है जिसके बारे में आप कहना जरूर चाहेंगे कि उस समय आपने क्या किया जब कोई जरूरी आप समझते हैं वो नहीं था या वो बात नहीं थी। तो बात कैसे बनी किसी के बिना, इसी पे बात करेंगे। आइए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के फेसबुक पेज पर दिन में 1 बजे www.facebook.com/vbsmumbai पर अपनी टिप्पणियों के साथ, जिसके बिना कार्यक्रम होगा नहीं। सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हमारे सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आप सब जानते हैं, बातें आपके बिना अधूरी है। आपकी टिप्पणियों के सिवा ये कार्यक्रम पूरा नहीं होता, और यही है आज का विषय। और श्रोताओं ने उसके अनुसार अपनी बातें लिखना शुरू कर दिया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के विषय पर इतना ही कहूंगा कि समय के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज ही देख लो, आज मेरे पास कार्य की व्यस्तता को लेकर थीम पर लिखने का समय ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अपना कार्य करते हुए विविध भारती सुनने का समय हमेशा रहता है, इसलिए आज बस इतना ही लिखकर आप सभी के साथ कार्यक्रम को सुनता रहूंगा। आगे एक श्रोता का कमेंट है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, क्या अकेले रह पाना मुमकिन था? बिना एक दूसरे के साथ ये इंसानों की दुनिया कितनी अधूरी, कितनी अकेली होती। ये भी एक सच है, बिना अपने प्रयासों के आप अपने जीवन का कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। मसला प्रेम का हो या तकरार का या फिर इनकार का, हर जगह बराबर मध्यस्थता निभाता है ये बिना। क्योंकि प्रेम, तकरार और इनकार जब कोई आपके जीवन में होगा तभी संभव है, किसी के हुए बिना ये सब चीजें मुमकिन नहीं है। रिश्ते के ताने बाने इसी बिना पर टिके हैं, बिना किसी के होने से रिश्तों का अर्थ शून्य हो जाता है। तो शुरुआत की जाए आज के कार्यक्रम की आवारा फिल्म के गाने से। ये रचना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और नडे, साथियों की आवाजें हैं। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। तीर तीर से है आर पार, आर पार।
झटकना चाहिए, मुझको फूल मुझको बीत मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए बहार मुझको चाहिए बहार। जितने भी श्रोताओं ने जवाब दिए हैं बिल्कुल सही दिए। आवारा फिल्म का ये गाना हुआ था शैलेंद्र का रचा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन। ये तो जीवन है, साथ से भी चलता है तो किसी के बिना भी चलता है, हमारी एक श्रोता लिख रही है। लेकिन जीवन चलता रहता है, अतः कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है तो हम हमेशा अगर किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, निर्भर रहेंगे, तो कभी कोई कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। अतः आत्मनिर्भर होकर दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करते रहना चाहिए किसी के बिना। और अगला कमेंट आपको बताते हैं, श्रोता ने लिखा है, आज एक संदिग्ध और सोच में डालने वाली थीम लेकर के आए हो। वैसे तो एक दिन का बच्चा भी बिना मां के बिना सहारे बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके मन में उसके जीवन में अकेलापन मां की वात्सल्य का अभाव रह जाता है। सूरज बिना प्रकाश ऊष्मा के, ऊष्मा के बिना बाष्प, बाष्प के बिना बादल और बरसात नहीं मिलती। फिर पेड़ पौधे पशु पक्षी सारी सृष्टि अनाथ बन जाती है। मानव हो या प्रकृति, किसी न किसी के सिवाय कोई जी नहीं सकता। बीज से वृक्ष या वृक्ष से बीज, इस सवाल का जवाब नहीं है। एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के सिवाय जीना मुश्किल है। और हम भी कुछ बातें कुछ गीत सुने बिना बेचैनी महसूस करते हैं। भाई क्या बात है। और आपने जितने गीत चुने हैं, न केवल आपने बल्कि लगभग सभी श्रोताओं ने जिन्होंने गीत सुझाए हैं, सभी के गीत आज के हमारे फेहरिस्त में शामिल है। और इसी तरह बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। आपको बताना है उस 1969 की ये फिल्म कौन सी है जिसका गीत आपको सुनवा रहे हैं। रफी साहब की आवाज है और ये गीत इसका दूसरा संस्करण लता जी की आवाज में भी है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत, राज खोसला निर्देशित, ये कौन सी फिल्म है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए है, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, लिखी हुई मेरी तकदीर है।
की आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। हम सुन रहे थे चिराग फिल्म का गाना। बिना या सिवाय, ऐसे शब्द हैं जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, ये एक उम्मीद, आशा, विश्वास, सहकार और सामंजस्य को पैदा कर आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने और एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने में अहम योगदान देते हैं। जीवन के अधूरेपन को भरने में मुख्य भूमिका निभाते रहते हैं। अभी मैं लिख भी रहा हूं, लेकिन इस पर बिना मित्रों की टिप्पणी ये बेकार ही हो जाएगा। यही इस शब्द का मूल्य दर्शाता है। और जी, आपके बहुत से मित्रों ने उस पर बहुत बढ़िया बधाई इस तरह के कमेंट्स भी लिखे हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं 1973 की फिल्म अभिमान का गाना, लता मंगेशकर के स्वर में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एसडी बर्मन का संगीत। आपको बताना है इस फिल्म अभिमान के निर्देशक कौन थे, साथ ही ये बताइए ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया जो फिल्म की नायिका है।
फिल्म अभिमान के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और फिल्म की नायिका जिन पर यह गीत फिल्माया गया, जया भादुड़ी। जी हाँ, दोनों जवाब सही है। हमारी श्रोता लिखती है कि जैसे बिना गम को सहे खुशी का अनुभव नहीं हो सकता, ऐसे ही बिना धूप के छांव की शीतलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। धूप और छांव तो जिंदगी का हिस्सा है, यही है जिंदगी, थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी, कभी धूप कभी छांव। और उसी के आगे एक और श्रोता का कमेंट है, लिखती है, ज्यों तो ज्यों कैसे बिन आपके, ये तो शब्द मजबूर परिस्थितियां दर्शाते हैं, पर ये दुनिया है हमारी आपकी, ये किसी का इंतजार नहीं करती, अनवरत लगातार चलती जाती है। भले ही जो कार्य सहयोग की वजह से जल्द और सुचारू रूप से हो जाता है, ये सच है कि आप उद्घोषक और विविध भारती के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। और भी बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे श्रोताओं की ओर से आ रहे हैं, और फिलहाल अगले गीत की बारी है, आपको सुनवाते हैं 1972 की फिल्म अपराध का ये गाना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। इंदिवर के रचे इस गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिर एक बार आपसे सवाल है कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन है, ये बताइए, और उन कलाकारों के यानी फिल्म के नायक नायिकाओं के भी नाम बताइए जिन पर ये गाना फिल्माया गया है। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, हमारे हाँ तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं, कसम से किसी को नहीं मैं जानती, अच्छा और किसी को नहीं पहचानती, अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं, हमारे सिवा हाँ तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। फिरोज खान और मुमताज पर ये गीत फिल्माया गया था फिल्म अपराध का, और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक फिरोज खान।
और अब हम बढ़ते हैं आंधी फिल्म के गाने की ओर, मगर उससे पहले आपको बताएं कि हमारे एक श्रोता ने आज के विषय के बारे में लिखा है कि विषय तो आज बड़ा संजीदा छेड़ा है आपने। 18 वर्ष की उम्र में माँ पिताजी के बिना हो गई थी जिंदगी। मैं और दो बहनें कुछ समय तक यही समझ न पाया कि करूं तो क्या करूं, उनके बिना जिंदगी अकेली हो गई। लेकिन कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, सब कुछ उस भगवान को सौंप कर अपना काम करता है। और उनकी कृपा से आज बहनें अपने ससुराल में आनंदित है और मैं भी अपने बच्चों के साथ जीवन का आनंद उठा रहा हूं। तो जैसा हमने आपसे कहा था, हम आपको सुनवाने वाले 1900 जी हाँ आंधी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है ये फिल्म किस वर्ष रुपहले पर्दे पर आई थी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, आरडी बर्मन का संगीत। बताइए फिल्म आंधी किस वर्ष रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित हुई। श्रोताओं ने जवाब दिया है और ये बिल्कुल सही जवाब है। आंधी फिल्म रिलीज हुई थी रुपहले पर्दे पर आई थी 1975 में। तुरंत ही अगला गाना आपके लिए आ रहा है 1979 की एक फिल्म का, लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजें हैं, शैली शैलेंद्र के बोल, बप्पी लहरी का संगीत और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक है हर्ष कोहली। बस आपको फिल्म का नाम बताना है।
नहीं है वक्त की धारा पल पल बदले जग ये सारा रुकती नहीं है वक्त की धारा पल पल बदले जग ये क्या बात है श्रोताओं, सभी के जवाब बिल्कुल सही है। ये आंगन की कली फिल्म का गाना हम सुन रहे थे। हमारे एक वरिष्ठ श्रोता है, लिखते हैं कि बिना विषय कोई बात नहीं बनती, बिना हेतु किसी से किसी की मुलाकात नहीं होती, बिना स्वार्थ भंवरा हर फूल पर नहीं मंडराता। वैसे बिना विषय कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम नहीं हो सकता। केबीके जी एक फूल है और हर श्रोता भंवरा है, बिन बादल बरसात नहीं होती। चलो एक बार फिर से विषय के बिना अजनबी बन जाएं हम और आप, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई विषय छेड़ दो, यहां कौन है अजनबी, तुम विविध भारती पर आ जाओ, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इस बढ़िया से कमेंट के बाद जो गाना आपके लिए आ रहा है 1978 की फिल्म घर से हमने चुना है, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, आरडी बर्मन का संगीत। आपको बताना है किन अभिनेता और अभिनेत्री पर यानी किन कलाकारों पर ये गीत फिल्माया गया है। जिया जाए ना
क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब सभी श्रोताओं के। घर फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे जो फिल्माया गया था फिल्म के नायक नायिका रेखा और विनोद मेहरा पर। अब हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक गुजराती कहावत याद आ गई है, वाड़ बगर बेलो ना चढ़े, बिना सहारे कार्य नहीं हो सकता। बारिश के मौसम में बेलें बहुत होती हैं, उसे भी वृक्ष रूपी सहारा लेना पड़ता है, तो बेल अपने आप वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है, उसको भी जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। उसको जमीन पर रहकर भी सहारा मिल जाए तो वो अपनी जगह बना लेती है, बिना आधार के कोई कार्य संभव नहीं। और एक अन्य श्रोता का कमेंट यहां दिखाई दे रहा है, लिखती हैं कि अब क्या बताएं, बिना शब्द के बगैर, ये शब्द जिंदगी के अहम हिस्सा है, कोई किसी के बिना जीता है, कोई किसी के बगैर जी लेता है, इसी तरह कोई किसी चीज के बिना रह सकता है तो कोई बीमार व्यक्ति बगैर दवाई के नहीं जी पाता। ऐसे बहुत सी मिसालें हैं, पर हम विविध भारती के श्रोतागण तो विविध भारती और गानों के बगैर नहीं जी सकते, औरों का पता नहीं भाई। एक और श्रोता का यहाँ कमेंट दिखाई दे रहा है, लिखते हैं कि आज के विषय के संदर्भ में यही कह सकते हैं, जैसे भोजन में नमक और अन्य मसाले के बिना बेस्वाद लगता है भोजन, इसी तरह जीवन में अपनों के साथ के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ऐसे ही इस कार्यक्रम के विषय बिना कल्पना करना असंभव है। अब जो गीत आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, 1972 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से है, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाजें। बताइए गीत किस गीतकार की कलम से उतरा है और उसे किस संगीतकार ने सजाया है अपने संगीत से, और ये भी बताइए गीत के बोल हैं, दो बेचारे बिना सहारे, ये दो बेचारे कौन है? तो बेचारे बिना सहारे, तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिर से मारे मारे। मैं हूँ राजा ये हैराना, मैं दीवाना ये मस्ताना, दोनों मिलके गाए गाना ओ हसीना, ओ जरा रुक जाना। बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। इसका मिलता नहीं हमको लौकर, तू बता दे इसका मिलता नहीं हमको लौकर, कुछ पता दे तेरे बन जाएंगे हम नौकर। वो ससुराल से देखो हम आए, ससुराल से देखो हम आए, चाबी लेकर टकराए हैं घबराए, आके तुमसे ही टकराए, धक्के खाए, समझ ना आए ओ पापे। और कुछ बोलो ना, और मुझे कुछ नहीं पता, चल राजा पापे ने भी बजा दिया बाजा। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, अरे दीन बंधु, हे जगतपति की जय। तूने कैसा किया है घोटाला, अंतर्यामी तूने कैसा किया है घोटाला, वो दे दी चाबी पर दिया है नहीं हमको ताला। गरमाल मिलेगा ज्यादा, गरमाल मिलेगा ज्यादा, वो तुझको दे देंगे आधा, ये है वादा। क्या इरादा, कोई काम नहीं है ज्यादा, लेके जाना आधा आधा ओ बाबा। ओ बिनती सुन लो ना, ओ स्वामी जी, ओ अंतर्यामी जी, कुछ तो बोलो। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिर से म
मारे मारे मैं हूँ राजा ये हैराना मैं दीवाना ये मस्ताना दोनों मिलके गाए गाना ओ हसीना हो जरा रुक जाना। क्या बात है श्रोताओं, आप सभी के जवाब सही है। विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, दो बेचारे बिना सहारे। और ये दो बेचारे थे अशोक कुमार और प्राण, और गीतकार वर्मा मलिक, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। सभी जवाब बिल्कुल सही। बिना और सिवाय की जो आज की थीम है उसके बारे में हमारी श्रोता लिखती है कि बिना कारण कोई बात नहीं होती और कभी भी किसी के बिना कुछ भी रुकता नहीं है। ऐसा ताना बाना बनाया है ईश्वर ने कि सब एक से एक जुड़े हैं और बिना एक दूसरे के अस्तित्व में बदलाव आ जाता है। जैसे बिना प्राण के शरीर, बिना रोशनी के नेत्र, होते तो हैं पर बदले हुए। किसी साथी के बिना जीवन, सब कुछ जुड़े हुए हैं और सब बना है उसी एक परम शक्ति से, जिसके बिना तो हम कुछ भी नहीं, हम भी नहीं और कोई भी नहीं। अब श्रोताओं, जो गीत आपके लिए आ रहा है 1980 की फिल्म से है, आशा भोसले, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजें। प्रकाश मेहरा निर्देशित ये फिल्म थी। आपको फिल्म का नाम बताना है, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। ये भी आपको बता दें, हिंट मिल जाएगी आपको। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, विनोद मेहरा और शबाना आजमी। बताइए किस फिल्म का ये गीत है। सत्ययुग की रीत क्यों कलयुग में ना चले, उनका दिल भी
आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ज्वालामुखी है फिल्म का नाम। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। हमारी श्रोता लिखती है कि हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन ऐसा कुछ हो ही जाता है कि किसी इंसान या कोई चीज के बिना हम मजबूर हो जाते हैं और दो राहे पर खड़े हमें निर्णय लेना होता है कि फिर सोचते हैं अब इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है, यही जीवन है और जिंदगी की सच्चाई है। उसी के आगे एक और कमेंट है हमारी श्रोता का कि किसी दूसरे की जरूरत तो हमें हमेशा पड़ती है क्योंकि कई ऐसे रिश्ते और कई ऐसे काम हैं जो अकेले नहीं होते। अब सब्जी बनाना है तो नमक के बिना टेस्ट नहीं आएगा, पर हाँ हम उसकी थोड़ी मात्रा कम कर दें और सादे नमक की जगह सेंधा नमक डाल दें तो हमारा भी काम चल जाएगा। और यदि शादी की कोई रस्म हो रही है, मम्मी पापा में से कोई नहीं है तो चाचा चाची से करवाई जा सकती है, और यदि हलवा बन रहा है तो शक्कर मना है तो गुड़ या खजूर डाल सकते हैं ना। चलिए जी, विषय को एक नया अंदाज आपने दिया, आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं अगला गाना। 1985 की एक फिल्म से अनजान का लिखा हुआ गीत है, संगीतकार बप्पी लहरी। बताइए किस फिल्म का गाना है और ये कौन सी आवाजें हैं, गायक कलाकारों के नाम भी आपको बताने हैं। चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले। पैसा नहीं प्यार चाहिए, कोई मन चाह दिलदार चाहिए, हीरे मोतिया से जहां दिल ना तुले, सपनों का ऐसा संसार चाहिए, ये भी होगा थोड़ा इंतजार कर ले। यार बिना चैन कहां, नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे साहेब फिल्म का गाना जो आई थी 1985 में, और संगीतकार बप्पी लहरी के साथ एस जानकी की आवाजें इस गीत में थी।
और हमारे श्रोता के कमेंट के बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, आजकल लोगों का काम बिना मोबाइल के नहीं चलता। जहां तक मेरी बात है तो मेरा बिना गाना सुने काम नहीं चलता है। मैं खाना बनाते समय जब भी जब तक गाना न सुनूं और वो भी विविध भारती से, तो मेरा खाना बन ही नहीं पाता है। पहले तो रेडियो से, फिर ट्रांजिस्टर से, और अब मोबाइल से गाना सुनती हूं। ये अब मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। अरे नहीं नहीं, मोबाइल नहीं बल्कि विविध भारती, जिसके बगैर मैं रह ही नहीं सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं बस फिल्म का नाम बताइए। कुमार शानू और साधना सरगम की आवाजों में ये गीत है, जावेद अख्तर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत। बताइए किस फिल्म का गाना है। तुम बिन मन की बात अधूरी, तुम बिन मन की बात अधूरी, दिन है अधूरे रात अधूरी, दिन है अधूरे रात अधूरी, तुम बिन मन की बात अधूरी, तुम बिन मन की बात अधूरी। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मृत्युदंड फिल्म का ये गीत था। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं 2007 की फिल्म गुरु का ये गाना। आपको बताना है फिल्म गुरु के निर्देशक का नाम। सजना हो रुकी रे वो रुकी रे, काटू रे काटे कटे ना, तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना। Dum 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 d
सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। गुरु फिल्म का निर्देशन किया था मणि रत्नम ने। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपनी टिप्पणियों के साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।